हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज स्ट्रीम। आज के क्लास में हम एक और फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है काउंट ए। तो मैं इधर शीट का नाम चेंज करके इसको कर देता हूँ काउंट ए। काउंट ए का काम क्या है? फॉर एग्जांपल इधर मैं कुछ एंट्रीज कर देता हूँ, काउंट ए का काम ये है कि हम एक रेंज इसको सप्लाई करते हैं और काउंट ए फंक्शन जो है उस रेंज के अंदर काउंट करता है कि कितने सेल्स के अंदर एंट्री हुई है। ओके, फॉर एग्जांपल इधर मैं कर देता हूँ इक्वल टू काउंट ए, टैब दबाया मैंने और ये पूरे का पूरा रेंज जो है इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो इस सेलेक्शन के अंदर 9 सेल्स के अंदर हमारे पास एंट्री हुई है, बाकी खाली है। अल्फाबेट्स पे इसको अप्लाई कर लेते हैं, ए टी वाई बी ई एंड एफ आर, इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं काउंट ए और पूरे के पूरे सिलेक्शन को इसके अंदर एज ए इनपुट दे देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास 9 एंट्रीज इसके अंदर भी है। अच्छा, काउंट ए फंक्शन के अंदर एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है D6 जो कि अभी एम्प्टी है हमारे पास। अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद स्पेस का बटन दबा देता हूं तो क्या ये एम्प्टी कंसिडर होगा? मैं इसको एंटर कर देता हूं तो हमारे पास काउंट जो है वो 10 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेल के अंदर हमने स्पेस एंटर किया हुआ है तो वो सेल एम्प्टी कंसिडर नहीं होगा। कंप्यूटर जो है वो स्पेस को कंसिडर करता है एज ए करेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये वापस 9 पे आ गया। तो स्पेस जो है वो एम्प्टी नहीं है, वो एज ए करेक्टर कंसिडर होगा कंप्यूटर के अंदर। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अच्छा, एक और चीज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं कर देता हूँ इक्वल टू काउंट ए, टैब दबाया मैंने और ये पूरे का पूरा जितना भी हमारे पास जिधर हमने एंट्रीज की हुई है ये पूरे का पूरा एरिया मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको क्लोज कर दिया और ये हमारे पास 20 एंट्रीज हो गई। अब देखिए, पहला जो हमारे पास सिलेक्शन है उसमें 9 एंट्रीज है, दूसरा हमारा जो सिलेक्शन है उसमें 9 एंट्रीज है और उसके बाद जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किए हुए हैं उसके अंदर 2 एंट्रीज है। तो 9 + 9 = 18 और 2 ये हो गए, तो ये हमारे पास 20 सेल्स हो गए जिसके अंदर हमारे इस वर्कशीट के अंदर एंट्रीज अवेलेबल है, बाकी हमारे पास एम्प्टी है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी मैं एंट्रीज कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास जो रिजल्ट्स है वो अपडेट हो रहे हैं हमारे एंट्रीज के साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा आप अपने वर्कशीट के अंदर कहीं भी एंट्रीज कर दें, ओके, कोई सी भी एंट्रीज कर दें आप और इधर आके काउंट ए फंक्शन आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, पूरे के पूरे वर्कशीट के अंदर जिधर आपने एंट्रीज की हुई है उसको सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए और अपना फंक्शन जो है उसको क्लोज कर दीजिए। तो आपके पास आपका काउंट आ जाएगा कि इस वर्कशीट के अंदर कितने सेल्स में एंट्रीज अवेलेबल है, ओके। एम्प्टी सेल जो है वो इसके अंदर स्किप हो जाती है। तो ये तो था काउंट ए फंक्शन जो कि छोटा सा फंक्शन है लेकिन काम की चीज़ है, हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कहीं समझ नहीं आ रही, कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में या हमारे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।